जब लड़की होती है हमारे परिवारों में, हमारे देश में, कई घरों में, चाहे वो अनपढ़ परिवार हो या पढ़ा लिखा परिवार हो, ये माना जाता है कि बेटी किसी और की होती है या लायबिलिटी होती है या बोझ होती है, क्योंकि उसकी शादी करानी होती है, उसके खर्चे होते हैं. यू नो, इट्स अ वेरी, इट्स अ टेरेबल टेरेबल वे ऑफ थिंकिंग. और ये जो सोचने की का तरीका है, वो तभी बदलेगा जब जो पेट्रियाकल माइंडसेट्स है वो चेंज होंगे. तो एक है मेकिंग, एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट दैट वुमेन आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव ह्यूमन राइट्स. एब्सोल्युटली, दे हैव टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, टू हेल्थ, टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ. एंड सेकेंडली, एंड आई हैव टू पॉइंट आउट हियर दैट ये हमारे इंडस्ट्री में भी होता है. कभी आपने कभी सुना है कि जब मेल एक्टर शादी करता है तो उससे पूछा गया है कभी कि शादी के बाद आप क्या एक्टिंग कंटिन्यू करेंगे? ये नौकरी है, आदमी करता है, औरत भी करती है. क्यों ये सवाल सिर्फ औरत से पूछा जाता है? तो ये जो माइंडसेट है ये हर जगह है.